दोस्तों आप सभी ने एन्यूटी प्लान के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं कि एन्यूटी प्लान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें कस्टमर एकमुश्त पैसा जमा कराता है और कंपनी ब्याज के तौर पर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कस्टमर के खाते में डालती है, जो एक तरह से कस्टमर की मंथली इनकम होती है। प्लान 10, 15 या 20 साल का हो सकता है और उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भुगतान की तिथि पर बिना किसी फायदे के हमारा इन्वेस्टमेंट ही हमको लौटा दिया जाता है, और जो मंथली इनकम है वे फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारे मंथली खर्चे हो रहे हैं वे फिक्स्ड नहीं रहेंगे, वे टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे। आज चीनी 40 रुपये किलो बाजार में आ रही है, वे आगे आने वाले 10 सालों में 40 से 60 या 80 तक भी जा सकती है, लेकिन मंथली इनकम तो वही रहेगी जो पहले थी। तो इस तरह से तो हम अपने खर्चों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें लमसम पैसा देने पर मंथली इनकम मिले, और वह मंथली इनकम ईयरली बेसिस पर बढ़नी भी चाहिए ताकि हमारे बढ़ते हुए खर्चों को मीट आउट कर सके, और जब भी हम पैसा विड्रॉ करें तब हमारा इन्वेस्टमेंट ब्याज या प्रॉफिट लगाकर मिले। सुनने में तो काफ़ी प्रॉफिटेबल लग रहा है, लेकिन ये सुनने के साथ साथ खरीदने में भी प्रॉफिटेबल है। आज हमारे प्रोडक्ट एनालिसिस में हम लेकर आए हैं ICICI प्रोडेंशियल का फ्रीडम SWP प्लान, जिसमें आप कंपनी को एक मुश्त पैसा देंगे और आप चाहें तो नेक्स्ट मंथ से ही आपके इन्वेस्टमेंट का 6% ईयरली पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो कि हर साल 3, 4 या 5% के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता रहेगा, जैसा कि आप चूज़ करेंगे। अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपये है और साल का 6% आपको मंथली मोड पर आपके बैंक खाते में मिल रहा है, और हर साल ये मंथली रिटर्न 4% से बढ़ जाता है, मतलब जो 60,000 रुपये आपको पहले साल में मिले उस पर 4% बढ़कर 62,400 रुपये नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, और उसके बाद 64,896 रुपये, फिर 67,492 रुपये, 70,192, 72,999, इस तरह से बढ़ते रहेंगे, और साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट मतलब 10 लाख रुपये भी अपना रिटर्न लेकर बढ़ रहे हैं। इस एग्जाम्पल की माने तो 30 साल बाद 33,65,000 रुपये हम अपने बैंक अकाउंट में ले चुके होंगे, जिस पर हम 55,000 रुपये का टैक्स भी पे कर चुके हैं, और उसके बाद भी 10 लाख रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 32,43,000 रुपये है। इस एग्जाम्पल को देखकर आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, सिर्फ एक डाउट को छोड़कर कि हमारा इन्वेस्टमेंट 10% का रिटर्न कैसे देगा, क्योंकि इस सारी कैलकुलेशन में सब कुछ प्रैक्टिकल है। आपको बताया गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% की ग्रोथ से बढ़ता है तो अगले 30 सालों में ना सिर्फ आप 6% पर ईयर के हिसाब से मंथली इनकम लेते रहेंगे और 4% का उसमें इंक्रीमेंट भी लेंगे, बल्कि इसके बाद भी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख की 32 लाख रुपये होगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करता रहे ताकि हम मंथली इनकम लेते रहें। एक्सेल पर तो कोई भी इस तरह की कैलकुलेशन करके दिखा सकता है, लेकिन क्या रियल टाइम सिचुएशन में यह पॉसिबल है, इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए, ICICI प्रूडेंशियल का ही एक फंड है इक्विटी एंड डेट फंड, जो नवंबर 1999 में चालू हुआ था, और उसी की रिटर्न का ग्राफ यहाँ दिखाया गया है। इसमें जो भी रिटर्न दिखाया गया है वह एक्चुअल में इस फंड ने दिया है। इसमें दिखाया गया है कि नवंबर 1999 में इस फंड ने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर 6% ईयरली बेसिस पर फंड से पैसा निकाला गया और हर साल विड्रॉल को 4% ईयरली की दर से बढ़ाया गया। इस प्लान में 20 साल तक के विड्रॉल दिखाए गए हैं, जो 50,000 रुपये महीना से बढ़कर 109,556 रुपये महीना हो गए हैं। लास्ट विड्रॉल मई 2020 का है, जिसमें कोरोना काल का गिरा हुआ बाजार भी शामिल है। उसके बाद भी कस्टमर ने टोटल 1,85,00,000 रुपये का विड्रॉल 20 सालों में लिया है, जिस पर 28,000 के करीब उसने टैक्स भी पे किया है, और अभी भी उसकी फंड वैल्यू 4,70,00,000 रुपये है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और सबसे बड़ी बात, यह कोई एक्सेल शीट से लिया हुआ एग्जाम्पल नहीं है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड इन 20 सालों में नवंबर 1999 से लेकर मई 2020 तक का ये रिटर्न एक्चुअल में दिया गया है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक बैलेंस फंड है, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर है, और रिटर्न का कैलकुलेशन तो आप सभी के सामने है। दोबारा आपको प्लान के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है कि हमें कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। स्कीम की जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर छोड़ा है, आप हमें कॉल करके स्कीम की जानकारी ले सकते हैं, और उसके बाद आपको अपना अमाउंट फिक्स करना है कि आप लमसम मोड पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे अपना विड्रॉल ईयरली बेसिस पर कितना बढ़ाना है, 3%, 4% या 5%, जो भी है। विड्रॉल का परसेंटेज 6% ही रहेगा। और उसके बाद आपको चूज़ करना है कि मुझे कौन से महीने से अपने विड्रॉल स्टार्ट करने हैं। ये आपके सामने सैंपल डमी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप सारे ऑप्शन चूज़ करते हैं, जैसे कि स्कीम का नाम, कौन से महीने से SWP स्टार्ट करनी है, जो विड्रॉल होगा वह 6% होगा और हर साल 6% को कितना बढ़ाना है, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और एंड डेट, आपको ये SWP कब तक स्टार्ट रखनी है, आप चाहें जितने सालों के लिए SWP को स्टार्ट रख सकते हैं, और जब आपको लगे कि आपको SWP की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने फंड वैल्यू को विड्रॉ कर सकते हैं। इस प्लान में सबसे खास बात यह है कि यह है प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपको चूज़ करना है कि आपको कब से मंथली इनकम स्टार्ट करनी है, आपको चूज़ करना है कि आपको कब से मंथली इनकम को बंद करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वह आपका अपना है। आप जब भी 15, 20, 25 या 30 साल बाद इसे विड्रॉ करेंगे, एक अच्छी खासी फंड वैल्यू आपको मिलेगी। यह प्लान रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन की ज़रूरत को पूरा करता है, साथ ही साथ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है। तो यह एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट कम रिटायरमेंट प्लान हुआ। अब खर्चों के बढ़ने के साथ साथ आपकी मंथली इनकम भी बढ़ेगी, ताकि आप अपने खर्चों की पूर्ति कर सकें और अपना स्टेटस मेंटेन कर सकें। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो आप डिसलाइक करें। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली।